हेलो गाइस, आज हम चिकन बना रहे हैं चूल्हे पे। हांडी चिकन आप देख सकते हैं, अभी तेल चढ़ाया है, जीरा डाला है, अभी वेट कर रहे हैं। अभी प्याज डालेंगे जीरा भुनने के बाद, जीरे का छौंक है। देखिए अब इसमें मैंने प्याज छुकने के बाद प्याज डाली, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है। अब इसको पकने दे रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट पकने दे। गाइस इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट बाद में डाला है, अभी छोक में। मसाला मिला लिया? हाँ, इस आधे गिलास पानी में सारा मसाला मिला ले, तो 2 मिनट बाद डाल लेंगे। अभी हेलो गाइस, देखिए धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया है। बाकी आप चूल्हे पे देखिए कितने मंदी मंदी आंच पे ये बन रहा है, बिल्कुल टेस्टी। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये तो पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए गाइस, अब मसाला बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें धुले हुए चिकन के पीसेस डालेंगे। गाइस अब इनमें धुले हुए मैंने पीसेस डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट। ये देखिए, इसको बिना पानी डाले पहले पकाएं। गाइस देखिए, इसके अंदर मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बाद में स्वाद अनुसार इसको थोड़ा सा चलाया है और इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है। और इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा घुटने के लिए टाइम चाहिए, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 20 मिनट तक। अब इसको पकने दो कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट, 15-20 मिनट मंदी मंदी आंच में पक जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें चीनी जा चुकी है, चलाना पड़ेगा।